पंजाब में सियासी पारा हाई है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब में हुंकार भरी। केजरीवाल ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में गंदी सियासत चल रही है। मैं हर पंजाबी को आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। हम राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा पर किसी तरह की सियासत नहीं करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सभी धर्मों के साथ साथ व्यापारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाएगा। पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता चलती रहती है कि वापस वो दौर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा जी, पिछले दिनों की जो कुछ घटनाएं हैं उन्होंने हमें चिंतित कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई, उससे बोला कि लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे इस किस्म की राजनीति अच्छी नहीं है। अगर ऐसे राजनीति होगी तो फिर सुरक्षा कौन देगा। केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों जगह जगह टिफिन बम मिले, ड्रोन आते हैं, लुधियाना में बम ब्लास्ट और बेअदबी की घटनाएं हुई हैं, इससे लोग घबराए हुए हैं। अगर पंजाब में आपकी सरकार आएगी तो हर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का होगा। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर पंजाब के अंदर कई सारी घटनाएं घटी हैं, जगह जगह टिफिन बम मिल रहे हैं, जगह जगह बॉर्डर से ड्रोन्स आते हैं, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बेअदबी की घटनाएं हो गई। मैं आज पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को भी, सिख समाज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। एक एक व्यक्ति की, एक एक व्यापारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के वक्त केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया और कोरोना को मैनेज किया। उन्होंने कहा कि लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर कोई सियासत नहीं करेंगे। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, अगर पंजाब में आपकी सरकार आती है तो केंद्र के साथ मिलकर काम किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर एक बार फिर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने उल्टा इसके लिए कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेदार बताया। कुल मिलाकर 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है, उससे पहले धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। टोटल न्यूज के लिए गगन बाटला की रिपोर्ट।